भाड़ों में भटक गए और बाई आंख भी फड़क रही। हमने कहा देखो क्या नुकसान होता है, लेकिन आज यहाँ आने पर पता पड़ा आज केवल हम लोगों को फायदा नहीं मिला, सारे हिंदुस्तान को फायदा मिलेगा। बचपन में हम हनुमान जी की कथा पढ़ते थे कि कुंजर वानर पहाड़ों में रहते थे और इनके ये लोग वानर कैसे बने इसकी बड़ी कथा है। देव योनि में थे और ऋषियों के शाप से वानर बने हैं। तो और पहाड़ों पर ही अंजना रहती थी और उनके हनुमान जी पैदा हुए। फिर सोचा करते थे ये पहाड़ कहाँ हैं, हिमालय में तो है नहीं, हिमालय में होते तो पता पड़ता, हल्ला मचता, गीता प्रेस वालों में भी कुछ नहीं लिखा। अभी बता रहे हैं रखेजा जी की नासिक के पास लोग कहते हैं वहां भी एक अंजना जी के स्थल है। क्यों जी ये देखे आए वहां। पर्वत है वहां, अच्छा खैर वो भी होगा उससे मतलब नहीं। ये जो प्रामाणिक स्थल है ब्रज भक्ति विलास में नारायण भक्ति जी ने लिखा है, अंजनी कुंड का वर्णन आया है और अंजनी कुंड हमने पढ़ा है लेकिन कभी सोचते नहीं थे वो कहाँ है। ये राधा रानी की दया से ये आज अंजनी कुंड मिला हमको। और जैसे राम की जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा या ब्रज है, हम लोग आज बैठे हैं हनुमान जी की जन्मभूमि पर। लेख में यही लिखा जाएगा हनुमान जी ब्रजवासी थे। ये एक बड़े गौरव की बात है और इसीलिए जितने अवतार हुए हैं ये यही आर्यावर्त में हुए हैं। श्रेष्ठ लोगों का जहां आवर्त मने निवास है रहना है उसको आर्यावर्त कहते हैं। तो राम की भूमि है यहाँ, कृष्ण की है तो हनुमान की भी यही है, क्योंकि तो हनुमान जी अनादिकाल के भक्त हैं। कृष्ण लीला में भी बहुत ज्यादा बंदरों का योगदान है और भोक्षण बांदरान भगवान कृष्ण भी बंदरों को भोजन कराते थे, ये भागवत में श्लोक आता है। और बंदरों से प्रेम भगवान का राम कृष्ण दोनों का बहुत था। गोसाई तुलसीदास ने लिखा है एक पद में कि आठों देव पाल अष्टपाल जमकाल पवन रवि शशि सब ये अधिकारी, आठों जिसके पाल देवों के हैं
और सूर्य चंद्रमा जिसके दास हैं, वो भगवान सर्वसमर्थ होकर के और वानर भानु चपल पशु वानर नाथ तहा रति मानी, ये अब याद आया देर में, दोनों के लिखे इस पद में लिखा है, ऐसी करत दास पर प्रीत। भगवान दासों पर इतना प्रेम करते हैं कि आठों जो पाल हैं दिशाओं को, दिक्पाल आठ हैं, देवपाल और देव सूर्य नार, ये सब कुछ सूर्य चंद्रमा के अधिकारी हैं, वे आज बंदरों से भालुओं से बानर भालू चपल पशु पामर, जो पशु जितना चंचल है उससे भगवान उतने खेलते हैं, जैसे बछड़े हैं, बहुत से बछड़े बड़े चंचल होते थे, वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे। बानर भालू चपल पशु पानर तहा नाथ रति मानी, ये अब इतनी देर में याद आया, वहां पर भगवान ने प्रेम किया, रति माने प्रेम किया। अब बंदर कोई प्रेम करने लायक है? भालू कोई प्रेम करने लायक है? चंचल बछड़े जो कूदते हैं वो कोई प्रेम करने लायक है? लेकिन ऐसे प्रभु करत दास पे प्रीत, भगवान गरीबों से हीनों से प्रेम करते हैं, बंदरों से ऐसा प्रेम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, हनुमान जी की जब भेंट हुई किष्किंधा कांड में, तो उन्होंने कहा कि आप कौन है, राम से पूछा, और राम ने पूछा आप कौन है। ये ब्राह्मण के विष बना करके गए थे वहां हनुमान जी। सुग्रीव ने कहा था ऋषिमुख पर्वत पर बैठे बैठे, देखो ये दो आ रहे हैं, धनुष बाण वीर पुरुष दिखाई पड़ते हैं, हो सकता है बाली ने भेजा होगा इनको हमको मारने के लिए। तो गए हनुमान जी ने प्रश्न किया ब्राह्मण गुरु बना करके कि आप लोग कौन हैं, क्या आप तीनों देवताओं में हैं या कौन है। तो भगवान बोले हम दशरथ जी के पुत्र हैं, यहां वन में घूम रहे हैं, यहां हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरत खोजत हम देही, यहां हे विप्र ब्राह्मण, हनुमान जी से कह रहे हैं यहां निशाचर ने हमारी स्त्री का हरण किया है और हम उसको ढूंढ रहे हैं सीता को, तुम कौन हो। तो हनुमान जी बोले कि मैंने तो पूछा जीव हूं और आप भगवान होकर के पूछ रहे हो, पहचान लिया उन्होंने, क्योंकि हनुमान जी पहले मिल चुके थे। एक कथा है, राम जी को खिलाने के लिए बंदरों से बहुत प्रेम था, तो बहुत से बंदर पकड़ के लाए गए, सबको फेल कर दिया गुरु वशिष्ठ ने, ये नहीं, क्योंकि जानते थे हनुमान जी यहां आ चुके हैं, पृथ्वी पर अवतार लिया है। तो अंजनी पुत्र हनुमान जी छोटे से थे, उनको पकड़ के लाया गया, देखते मानो पहचान गए, राम की प्रीति के पात्र बन गए और राम के साथ खेलने लग गए। तो इसीलिए गोसाई जी लिखा है कि बानर भालू
चपल पशु वानर तहा नाथ रति मानी, उनसे ऐसा प्रेम किया आपने तो खेलते रहे। अंत में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि तुम चलो, हम फिर भेंट करेंगे तुमसे, समय पर आवश्यकता तुम्हारी पड़ेगी। हनुमान किष्किंधा में जब राम आए तब भेंट भई, लेकिन नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य भूल जाता है तो भूल गए। तो हनुमान जी ने कहा कि मोर न्याव में पूछा साई, तुम कछ पूछे हो नर की नाई। मैंने तो आपसे आपका परिचय पूछा क्योंकि मैं मनुष्य हूं, जीव हूं, और साई मैंने तुम प्रभु होकर के हमसे पूछ रहे हो तुम कौन हो। एक मैं मोहमय मंदवस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसारियो विसारे दीन बंधु भगवान। मैं तो मोह से ग्रसित कुटिल हूं, एक जीव हूं, और तुम प्रभु होकर के हमको भूल गए। तो हनुमान जी चरण में गिर पड़े उनके, और उन्होंने आंसू बहाने लग गए। दैन्य बोले, संसार के सब जितने प्राणी हैं उसमें सबसे मैं ही अभागा हूं। पूरा प्रकरण तो याद भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि चलना है, लौटना है। अभी तात्पर्य है कि उन्होंने इतना प्यार किया हनुमान जी से, उन्होंने कहा सुन कपि जिय मानस मत ऊना, तय लक्ष्मण ते प्रिय मोहि दूना। जितना लक्ष्मण प्यारा है उससे तुम मुझको दूने प्यारे हो, दूना माने डबल। लक्ष्मण इतने प्यारे थे, बड़े लक्ष्मण का नाम क्यों लिया। लक्ष्मण को वन में ले गए और भरत शत्रुघ्न ये सब को छोड़ दिया। यद्यपि ये सब भी भरत को भक्ति का स्तंभ माना गया है अयोध्या कांड में, लेकिन फिर भी लक्ष्मण को ही ले गए साथ, और आखिर तक लक्ष्मण संग में रहे। भरत को भी भेज दिया, शत्रु को भेज दिया, और जाने के पहले लक्ष्मण को भी भेज दिया था धाम में। राम सबसे पीछे गए हैं। तो राम ने कहा कि तुम मन में अपने हीन भाव मत लाओ, तुम हमको लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो, दुनिया प्यारे हो। ये एक उदाहरण है कितना प्रेम करते थे भगवान बंदरों से। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख मन न हो सके मन मोरा। हे हनुमान, मैं तुम्हारा बदला तो क्या चुका सकता हूं, भगवान इतने कृतज्ञ हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। इतने ऋणी हैं भगवान, इतने दयालु हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा नाथ तहां रति मानी, भगवान सच्चा प्यार करते हैं बंदरों से, भालुओं से, बछड़ों से, पशुओं से, पामर से। फिर अगर कोई मनुष्य होकर के भगवान से प्रेम करे तो क्यों नहीं करेंगे। ऐसे प्रभुदास से करत प्रीत, बड़ा सुंदर पद है। तो इसलिए सभी ने अवतार लिया, और कुंजर वानर भी ऋषियों के शाप से कोई वानर बने थे। ब्रह्मलोक की बात है, कुंजक स्थला नाम की अप्सरा थी, उसने ऋषियों का उपहास किया। बड़ी सुंदरी थी,
और जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर धनादि भी यद्यस्य न भवेस्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रह। मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादिनाम समन्ततः ये सात चीजें हैं जो मद उत्पन्न करती हैं। जन्म अच्छे घर में जन्म हो जाए, अच्छा कोई कर्म कर ले, वय माने जवानी, रूप माने सौंदर्य, ये सब चीजें मद पैदा करती हैं। तो पुंजिका स्थला बड़ी रूपवती थी, ब्रह्मलोक तक इसके रूप की प्रशंसा थी और किसी ऋषि के का इसने उपहास किया। जैसे कृष्ण लीला में अष्टावक्र ने शाप दिया था, वो टेढ़े आठ जगह से थे तो उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को उपहास किया तो उन्होंने शाप दे दिया, जा तू अजगर बन जा। अघासुर जो था ये ऋषियों के शाप से, अष्टावक्र के शाप से ये नीच योनि में आया था। तो वैसे ही पुंजक स्थला ने जब उपहास किया तो शाप दिया कि तू रूप के मद में हमारा उपहास कर रही है, जा तू बानरी बन जा। और उसके शाप से ये कुंजल बानर की कन्या बनी, ये अंजना का इतिहास है। लेकिन ये भी वरदान दिया कि जब चाहे तू सुंदर रूप बना लेगी, मानवी रूप धारण कर सकती है। अंजना देवी का ये इतिहास है, जहां हम बैठे हैं अंजनी कुंड, ये पढ़ा था हमने बहुत साल पहले और श्री जी की दया से आज मौका मिला हम लोग अंजनी कुंड पे। हम ही नहीं बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तुम लोग इतने लोग हो। और आज का दिन बड़ा सुंदर है, अब ये पुस्तक में लिखा जाएगा अंजनी कुंड कहाँ है वास्तविक रूप से प्रमाण के साथ, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत से स्थान है ये भर्तृहरि का कई जगह बताए भारतवर्ष में, कोई नेपाल में बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन वास्तविक स्थल यही है। हनुमान जी ब्रजवासी थे और ये बानरी बन गई, कुंजर बानर की कन्या थी। बंदर पहाड़ों में रहते हैं, आज भी यहां चमत्कार है, आसपास पानी कहीं नहीं है। ये अभी बता रहे थे यहां के निवासी और इनका रिकॉर्ड किया है उन्होंने। और यहां इतना पानी है, थोड़ा सा दो चार पत्थर हटाओ एकदम पानी निकल आता है। तो ये देवभूमि है, आसपास कहीं नहीं पानर, कहीं भी पानी नहीं है और यहां पानी है। गांव में सूखा हुआ है, कहीं पानी है ही नहीं है। ये चमत्कारिक स्थल है और भगवान की कृपा से हम लोग पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं कि अब ये पुस्तक में आ जाएगा तो सारा भारत जान जाएगा कि वास्तविक अंजनी कुंड कहाँ है, जहां हनुमान जी पैदा हुए, खेले, बड़े भय, लीला तो बहुत है बड़ी बड़ी, लेकिन अब दो चार मिनट और गएंगे फिर चलेंगे क्योंकि लौटना भी है। इसमें परिक्रमा देते हैं, 10 दिन का परिक्रमा होता है इसमें, 21 कोसी का। इस परिक्रमा में यहाँ पर अंजनी माता जी का मंदिर और फिर भैंसेड़ा जंजुआगिराज जी, ये प्राचीन परिक्रमा काम बनती निकलती है परंपरा से। इसके माने कि यही वास्तविक अंजनी कुंड है। ये नक्शा कहाँ से लाए हो? बिंदा रानी मंदिर से मिला है, जो नारायण भाई जी को लिखा हुआ है। इसको रखो,
ये पुस्तक में दिया जाएगा, लो उसको रखो, उसके नक्शे की फोटो का भी इसमें लिखा हुआ, कैसे कैसे परिक्रमा चलता है पढ़ने में नहीं आएगा उसी बार बार। चलो कोई बात नहीं। तो वो अंजना यहाँ तप कर रही थी और 7,000 वर्ष तक अंजना ने तप किया इस पहाड़ में। महादेव जी ने वरदान दिया कि मेरा 11वां अंश रुद्र तुमसे जन्म लेगा, इसीलिए यहां पर पानी है, एकदम कहीं भी आसपास पानी नहीं है, अंजना जी की तपोभूमि है। और यहां आप भी कह रहे हैं महात्मा कि यहां चर्म रोग जो होता है दूर हो जाता है स्नान करने से, इसीलिए इसको वसुला को भेजा गया। यहां इच्छा रूपणी थी, चाहे जब मानव शरीर बना करके खड़ी हो जाती थी और बड़ी सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी कि पवन देवता मोहित हो गए। बल के देवता हैं पवन, और उन्होंने अव्यक्त रूप से उनसे संपर्क किया तो वो तपस्या में थी, क्रोध करके बोली कौन है मेरा स्पर्श कर रहा है। तो पवन देवता बोले देवी मैंने मन के संकल्प से मानसिक संयोग से तुमको एक दिव्य पुत्र दिया है, और वो साधारण पुत्र नहीं होगा, तो पवन के तो औरस पुत्र बोले गए वो केशरी के क्षेत्रज। खेत माने स्त्री तो थी केशरी वानर की, अंजना से विवाह हुआ था, और जिसका जिसका शरीर होता है वो क्षेत्रज पुत्र माना जाता है, और जिसका अंश होता है हृदय से पैदा होता है औरस पुत्र माना जाता है। पवन तनय बल पवन समाना, गोसाई जी लिखा है कि पवन माने वायु के औरस पुत्र थे और पवन के समान इन्हें बल थे, इसलिए तुम शोक नहीं करो और दूसरी कथा यह है कि भगवान ने मना किया था मोहिनी रूप तुम मत देखो शिव जी, वो कामुकता पैदा करने वाला है, काम भाव पैदा करने वाला है, ऐसा कोई नहीं जो मोहिनी रूप को देख करके काम भाव न जगे। बड़े बड़े असुर मूर्ख बन गए और अमृत घड़ा यूं दे दिया, तो उन्होंने मना किया था शिव जी से कि वो मत देखो, शिव जी ने कहा नहीं हम तो देखेंगे। देखा उन्होंने तो उसे शिव जी का भी वीर स्खलित हुआ, ऐसा स्खलित हुआ कि मोहिनी के पीछे दौड़ने लग गए और पार्वती हैं लज्जा छोड़ दिया उन्होंने, तो जो वीर इनका स्खलित हुआ तो वो सप्तर्षियों ने दोनों में सूर्य शिव जी का वो जो वीर था रख लिया, और वायु देवता ने अंजना के कान में उस अंश को घुसा दिया कर्ण मार्ग से, इसीलिए कहा गया शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप जगत महाजगवान। हाँ महाजगबंदन, शंकर के भी लड़के माने गए वायु के भी माने गए, क्योंकि अंश शंकर का था, वायु ने सहायता देकर के कान में प्रवेश किया उनके भीतर, और जब शिव जी ने बल दिया था 7,000 वर्ष तक तप करने के बाद
कि मेरा ग्यारहवां अंश तुम्हारा पुत्र बनेगा। और कैसे बनेगा? जब कैकेयी के भाग यज्ञ भाग चरु भाग जो यज्ञ किया था जिससे राम पैदा हुए, लक्ष्मण हुए, ये सब पैदा हुए हैं, तो जब कैकेयी की हिस्सा लेकर के गीत एक गीत आएगी उड़ेगी और वो अंश गिरेगा तुम्हारे पास, उससे वो पुत्र पैदा होगा। तो एक अप्सरा थी सो रचला, वो ब्रह्मा जी के शाप से गिद्ध बन गई थी। उसने कोई गलत काम किया, कुचेष्टा किया था, तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, जा तू गिद्ध बन जा। और जब तू कैकेयी के यज्ञ को लेकर के भागेगी तब तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जो अंश दिया गया था कैकेयी को उन्होंने रखा था जब तक एक गीध आई गीधनी और उस अंश को लेके उड़ गई। और अंजना जी यहां तप कर रही थी, उनकी अंजलि में डाल दिया। शिव के अंश को तो वायु ने प्रवेश कराया था कान से, इन्होंने अंजलि में डाल दिया। और वायु ने मना संकल्प से औरस पुत्र माने गए। कई तरह से महादेव दीजिए ही हनुमान बने हैं राम सेवा के लिए। और जय शरीर गति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वश वानर भे हनुमान। शिव जी ने अपना शिव शरीर छोड़ दिया, रुद्र शरीर छोड़ करके बंदर बने कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े ठीक है। अंजना जी से जब हनुमान प्रकट हुआ भय इसी पहाड़ों में, तो हनुमान जी फल तोड़ने गए थे। वानर को फल अच्छा लगता है। हनुमान जी को भूख लगी थी, उसी समय सूर्य उदय हुआ आकाश में। तो जितने संस्कार हैं भगवान ही गाते हैं जीवों में। जिन जो ही बांधे सोई छोरे, अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, हर जीव में संस्कार जन्म के समय पहले आ जाता है, उसी के अनुसार वो काम करता है। जैसे मछली उसको कोई तैरना नहीं सिखाता है, अपने आप खाती है तैरने लग जाती है। चिड़िया को कोई उड़ना नहीं सिखाता कि इसको कोई ट्रेनिंग दी जाए, वो अपने आप उड़ने लग जाती है। ऐसे हर जीव के संस्कार होते हैं। जिन बांधो सुर असुर नाग सब, प्रबल कलम की डोर। ये लिखा है गोसाई जी ने कि जिन भगवान ने समस्त जीवों को संस्कार देकर के जन्म दिया। जिन बांधो सुर असुर नाग सब, प्रबल कलम की डोर। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति हट, बांधो सकै न छोर। उसी ब्रह्मा को भगवान को यशोदा जी ने एक रस्सी से बांध दिया और छुड़ा नहीं पाए। ये भक्ति की महिमा है। कल वो बेचारे बड़े महात्मा आए थे ऋषिकेश के, वो सोचते थे कि हम नामी महात्मा हैं, ये मुरली के गुरु हैं, इसलिए देखने आए और हमें ज्ञान मान कुछ है नहीं। बोले महाराज अंत समय में शुद्ध स्वरूप आत्मा का क्या रहता है, प्रश्न किया। हम समझ गए कि द्वैतवादी हैं, सन्यासी हैं,
ये सोचते हैं उनके ब्रह्म रूप हो जाता है। अब हमने आपस में झगड़ा क्यों करें द्वैत अद्वैत का, हमने कोई खास बात नहीं की, हमने कहा केवल भगवान की शरणागति ठीक है और सब मामला गड़बड़ है। फिर वो कुछ देर की तभी बैठे, लेकिन बात यह है कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। वो लोग ब्रह्म मानते हैं, जीव ब्रह्म था, साक्षात पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। बोले फिर क्या परिषदों में गलत लिखा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म? नहीं, गलत नहीं है, सब भगवान का अंश है, इसलिए भगवान है, अंश भी तो भगवान का ही है। तो हम इसलिए कह रहे थे जिन बांधो सुर असुर नाग सब प्रबल कर्म की डोर, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति हाथ बांधो सकै न छोर। हनुमान जी पैदा है तो संस्कार तो ही फल 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 खाने के बंदर में होते हैं, और इसलिए उन्होंने सूर्य को समझा लाल लाल फल है। क्यों समझा? क्योंकि वो संस्कार भगवान का दिया हुआ है। और उसको देख करके वे अतुल शक्ति थी उड़े उस सूर्य को पकड़ने के लिए। जब उड़े तो उनके घुटने गड़ गए, वहां जो तुमने रास्ते में देखा ना पत्थर में घुटने गड़ गए। ये प्राकृत धाम भी जो है भगवत धाम देने वाला है। जैसे भरत जी गए चित्रकूट में तो वहां गंदी टट्टिया हड्डी वड्डी भी पड़ी थी, कुश कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कुवस्तु माने हड्डी भी पड़ी है, मैला भी पड़ा है, टट्टी पड़ी है, वो सब धाम ने छिपा लिया। और धाम अपना स्वरूप जब प्रकट करता है मई मंजिल मृद मारग दीने बात समीर त्रिविद सुखलीने, तब सब सुंदर रास्ता बन गया। अब देखो कितनी तेज धूप थी, हमसे कह रहे थे आज कि फेसबुक में आया है कि बहुत तेज धूप गर्मी रहेगी, यात्रा सुख नहीं देगी, ये भगवान की कृपा है, बादल आ गए हैं। नहीं नहीं, समझ बोल तो है, धाम की कृपा है, धाम अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। हम यही सोच रहे हैं कि तस मारग भा जैसा भरत जी गए हैं किए जलद जाए छाया जल बादल छाया कर रहे हैं, तस भग मन भयन राम का जस बा भरत जाल। जब भरत जी गए हैं तब छाया हो गई ठंडी हवा भर, वैसे वैसा तो राम के समय में नहीं हुआ था। ये धाम भक्तों पर इतनी दया करता है। तस मारग जस मारग भ राम कर भरत कर तस भा भरते जाए है, भूल गए हैं कि वो धाम ने भरत जी पर बहुत दया किया। तो इसी दुआ को हम याद कर रहे थे, अभी याद नहीं भूल गए सब, कि देखो आज हम लोगों छाया कर दिया प्रभु ने, और सोच के चले थे बड़ा कष्ट मिलेगा, और हम इसी इंतजार में थे। राधाकांत चले गए थे, हमने कहा भाई तीन चार बार फोन करवाया, इनका भी आना जरूरी है, इन लड़कियों का भी आना जरूरी है, बेचारी प्रचार करने जाती हैं। तो वो भी इच्छा हमारी पूरी हो गई, सब लोग आ गए। हमने भी कहा था इसे कह दो भोजन भोजन न करे, रास्ते में देर लग जाएगी, सब यहां मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये उन्होंने अंजना जी ने यहां पर यहां से सूर्य को लपके हैं, घुटने गड़ गए हैं, और जब वहां सूर्य के रथ के पास पहुंचे हैं तो उस समय राहु का मौका था, समय था, अमावस थी, चैत्र में अमावस्या को हनुमान जी का प्रागट्य है चैत्र में। और जैसे पैदा भय
वो उड़ गए और उसी समय राहु, अमावस्या को ही राहु आता है, और राहु आया सूर्य को भक्षण करने के लिए, लेकिन देखा वहां कोई और आया है तो इंद्र के पास गया राहु, कि ये हमारे अधिकार तुमने दूसरे को क्यों दे दिया। इंद्र आए राहु को आगे करके, नहीं तेरा अधिकार है, चल हम देखते हैं कौन है, बच्चे लेकर के गए। सबने जब निश्चित कर दिया है कि आज के दिन राहु ही ग्रहण करेगा सूर्य का, कोई संसार में नहीं आ सकता, हम वज्र से समाप्त कर देंगे। आगे आए तो वहां देखा हनुमान नाम का बंदर है, ऐरावत हाथी पर चढ़ के आए इंद्र। ऐरावत सफेद रंग है, हनुमान जी ने देखा ओहो ये तो कोई दूसरा फल आ गया, पहले तो लाल फल था सूर्य को, हमने समझा तो लाल लाल का आम है, और ये तो सफेद सफेद आ गया, जरे संतरा है कि मौसमी है, चलो पहले इसी को खावे। तो दौड़े हनुमान जी ऐरावत को खाने के लिए, तब इंद्र ने वज्र चला दिया। अरे तो वास्तव में बड़ा दंड है, ऐसे नहीं मानेगा। वज्र अमोघ था बिल्कुल, तो जब वज्र लगा हनुमान जी को, हनुमान हड्डी यहां पे टूट गई। जब टूट गई तब पवन देवता ने हवा बंद कर दिया तीनों लोक में। बाद समय रवि भक्षलियो तीनों लोग भयो अंधियारो, इसी बात को तुलसीदास जी लिखा है, हमें याद नहीं, भूल भाल गए हैं। और कौन सो संकट जात ने टाल, देवन आन करीब रीती। हाँ तो सब देवता लोग आए, विनती करने लग गए वायु देवता की, संसार में सब लोग मर जाएंगे। तब वायु देवता ने कहा कि हमारा बड़ा प्यारा पुत्र है, इसको तुमने वज्र से क्यों मारा, हम ऐसे नहीं जीवन दान देंगे। तो सब देवताओं ने वरदान दिया और अनेक प्रकार का वरदान दिया है। सूर्य ने तो कहा कि मेरा शतांश इनमें रहेगा, मैं इनको विद्या दूंगा, पढ़ाऊंगा। वरुण ने कहा जल में कभी नहीं डूबेंगे। यमराज ने कहा हमारे दंड का इनका कभी नुकसान नहीं होगा, यम दंड से अमोघ है, कुबेर की गदा अमोघ है, बोले हमारी गदा इनका कुछ नहीं कर पाएगी। शिव भी गए, बोले हमारे आयुधों से अवध होंगे, क्योंकि जटायु को पंख काटा था उसने चंद्रहास नाम की तलवार, अमोघ तलवार जो शिव जी ने दिया था, उस तलवार के रहते भी हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिव का वरदान था। और यहां बड़े बड़े ऋषि रहते थे तो हनुमान जी चंचल थे, किसी का कमंडल चुरा ले, किसी का कुछ कर ले, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम बल भूल जाओगे, क्योंकि किसी का कुछ बस नहीं चलता था, कोई बांध दो कुछ दो असर नहीं होता था, श्राप को आपको असर नहीं होता था। तब लोगों ने सोचा ये बल ही भूल जाए तो अच्छा है, तो श्राप दिया कोई याद तुमको दिलाएगा तब तुम्हें बल की याद आएगी। जब राम ने वरदान दिया किसी से इनकी क्षति नहीं होगी, तो नारद जी सुन रहे थे, नारद जी ने सोचा मजाक किया जाए,
उनका चुलबुला स्वभाव है परिहास का। उन्होंने कहा राम ने वरदान दिया है, सत्य वरदान दिया है, अब राम में हनुमान में लड़ाई हो जाए तो अच्छा हो जाए। पता तो पड़ जाए कि हाँ हनुमान के ऊपर कुछ अस्त्र हो चलता है कि नहीं चलता है। राम स्वयं चलाएंगे और फिर अस्त्र न चलाए तो समझेंगे यहां सब सही वरदान है, नहीं तो गड़बड़ मामला है। तो एक समय की बात है, सब राजा लोग पृथ्वी के आए थे, राम राजा बन के बैठे थे और सब प्रणाम कर रहे थे। वशिष्ठ बैठे थे, विश्वामित्र थे, नारद जी ने सिखा दिया काशी के राजा को, एक एक काम कर। बोले क्या है? बोले विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों महाराज? अरे हम कहें जो काम कर तो इसमें तेरा कल्याण होगा। बोले हमारा कल्याण होगा? हाँ कल्याण होगा। अरे तो हम तो पहले प्रणाम नहीं करेंगे। वो गया मां वशिष्ठ को दंडवत किया, सब ऋषियों को दंडवत किया और विश्वामित्र को देख करके चल पड़ा। आप तो विश्वामित्र जी गुस्से में आ गए, अरे सबको प्रणाम किया और हमको छोड़ दिया। तो राम से जाके बोले राम तेरे सामने मेरे यहां ये अपमान हुआ है, तू देख रहा है क्या हुआ गुरुदेव? क्योंकि विश्वामित्र गुरु हैं। अरे शिष्य के सामने गुरु का अपमान हो और शिष्य बैठा रहे? अरे नहीं नहीं आपका अपमान किसने किया है? जिसने किया है उसका मैं वध कर दूंगा। कैसे करेगा? ये बाण है मेरे पास, तीन बाण है, एक से बचेगा, दूसरे दूसरे से बचेगा, तीसरे से सवेरे मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किया दरबार में और वो सब जा चुके थे। काशी नरेश को पता नहीं पड़ा, पीछे पता पड़ा जब पहुंच गया अपने तंबूतनाथ में कि राम ने प्रतिज्ञा किया है। और गया नारद जी के पास, बोले महाराज ये कैसा कल्याण किया आपने, हमारे नार कटवा दिया। आप राम की प्रतिज्ञा नहीं कर सकती, संसार में काल भी प्राण जाए प्रवचन में जाए। नहीं नहीं राम नहीं, भूप नर भूपाला सर्वेश्वर कालो कर काला, भाई भूल जाते हैं क्या करें। तो अब वो घबरा गया, नारद जी के चरण पकड़ लिए, महाराज अब क्या होगा? बोले नहीं नहीं राम कुछ नहीं कर पाएंगे, राम की प्रतिज्ञा भी कुछ नहीं कर पाएगी। बोले कैसे महाराज? वो तो कालों के काल हैं। बोले जा तू अंजना के चरणों में चला जा, हनुमान बड़ा मातृभक्त है, अब अंजना ही तेरे को शरण दे सकती है स्त्री रूपी में। बोले महाराज हमने तो पहले कहा था, आपने कहा कल्याण होगा कल्याण होगा, अब आफत हो गई, अब मैं कहां जाऊं? बोले अंजना के पास चला जा, अंजनी कुंड पर अंजना तप कर रही है, अंजना का तप अमोघ है। तो हनुमान जी यहां आए, जहां बैठे हो तुम, ये श्री जी की दया से हम भी पढ़ते थे और अंजनी कुंड पढ़ा था, लेकिन आज दर्शन मिला और तुम लोगों के कारण मिल गया, क्योंकि तुमको दिखाने आए हैं पंडा बन करके। इसलिए वो हनुमान जी आए और अंजनी माता के चरण पकड़ लिए और अंजनी माता ने चरण का छोड़ हनुमान। बोले मां ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं काशी नरेश आया था, नारद जी ने कहा था जब तक अभाय दान न दे तो अंजना माता का चरण नहीं छोड़ना। चरण पकड़ लिया, बोले छोड़? बोले नहीं मां अभय दान दो तब छोड़ेंगे, वचन ले लिया। हां अभय दान है, काल भी इन्हें नहीं कर सकता, मेरा पुत्र हनुमान है, कोई नहीं करने वाला है।
तो चरण छोड़ दिया। बोले क्या तेरे को किससे भय है? बोले राम से भय है। अरे राम से भय है, तुझे पहले भी बताया? बोले पहले बताता तो तुम प्रतिज्ञा नहीं करती। अच्छा तो हनुमान की आज्ञा, हनुमान आए बोले माँ प्रणाम। बोले पुत्र हमने जीवन में कभी भी तुझसे कोई काम नहीं कहा। बोले हाँ माँ, एक काम करना है तुझको, मेरी वाणी झूठी न जाए। बोले आपकी वाणी झूठी नहीं है, वो जागी माँ, चाहे काल आ जाएगा तो भी इसको मैं पटक पछाड़ दूंगा। बोले ठीक ठीक, अगर तेरा भगवान आया तो क्या करेगा तू? बोले भगवान कैसे आएगा? भगवान भक्त से लड़ने नहीं आएगा माँ। बोले भक्त से तो लड़ने नहीं आएगा, लेकिन मेरा वचन निकल गया है और राम का भी वचन निकल गया है कि सवेरे मार देगा तीन बाणों से, इसलिए राधा को काशी नरेश को हमने अभय दे दिया है। हनुमान जी बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। बोले मां मरने नहीं दूंगा, तुमने एक ही बात जीवन में कही है और वो सच होगी, प्रभु को हार मानना पड़ेगा। भगवान भक्त के आगे हार मानते हैं। कहके छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दो आप मां, चल भाई तू चल। ले गए अयोध्या और बोले राम सवेरे उठ के चले बाण लेकर के तीनों मारने। पहला बाण चढ़ाया उन्होंने, संकल्प किया कि काशी नरेश का सिर अलग हो जाए। हनुमान जी ने कहा उससे सरजू के जल में खड़ा हो जा, भगवान अपने धाम की बड़ी मर्यादा रखते हैं। एक तो सरजू का जल धाम और दूसरे तुम राम राम जपना, उनके नाम की महिमा। राम से बड़ा है राम का नाम, करो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। बाण चला राम राम, उनके शरीर में हनुमान जब प्रवेश कर गया आवेश हनुमान और अखंड राम 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 राम। बाण आया और लौट करके चला गया, क्योंकि कैसे मारेंगे, राम नाम का तेज है, राम नहीं मार सकते। फिर दूसरा बाण चला, दूसरा बाण अवश्य तुम जाके मार के आ। फिर हनुमान जी ने कहा अच्छा आपकी सिया राम कहना, सीता जी को भी ले ले। तो सिया राम करने लगे, आप प्रवेश कर गए हनुमान जी उसके शरीर में। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। बाण आया बोले अरे राम राम, यहां तो सिया जी की शक्ति है, लौट गया। फिर तीसरे बार अमोघ था, बोले आप अवश्य मार के आना, इस बार अवश्य इनका पद होना चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा छोटी हो जाए। तीसरा बाण चला और हनुमान जी ने कहा देख इस बार सिया जी के साथ हमारा भी नाम जोड़ देना, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब लगा करने लगा हनुमान जी अपने लगे, आया बोले अरे तो सिया की शक्ति के साथ हनुमान की शक्ति की शक्ति भी है, अब नहीं मार सकता मैं, लौट गया। राम जी की हार हो गई, राम जी ने कहा मेरी हार हो गई, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। रामो दुर्नाभिभाषते, राम का वचन झूठा कहीं नहीं जाता है। नारद जी आए, अरे बोले काशीश तेरी रक्षा तो हो गई, अब राम को तो बचा। जब विश्वामित्र जाएंगे राम भी जाएंगे, सब चले जाएंगे। बोले क्या करें? अरे जा इनके चरण पकड़ ले विश्वामित्र के, इसी बात की तो लड़ाई है, दंडवत तो नहीं किया। बोले महाराज मैं क्या करूं, आपने एक मंत्र दिया। तो जाकर के विश्वामित्र के चरणों में गिरा। विश्वामित्र ने कहा ठीक है अच्छा अभय अभय राम, इसको अभय करो। राम चुप हो गए, बोले गुरुदेव आपकी प्रतिज्ञा थी, इसने हमने प्रतिज्ञा किया था, मैं हमारा क्या है, आपने अभय दिया तो आप अभय। ये अंजनी जी का वो तपस्या है जहां तुम लोग बैठे हो, अब हम समझ रहे बहुत देर हो गई, सबको भूख भी लगी होगी,
छोलियां भी परसों की गई हैं और सब भूखी है, चलो चले। और वो घोटे को चले देखना, घुटने से जहां से हनुमान जी उछले हैं जिसने न देखा हो, और वहां पर चिन्ह है हनुमान जी ने छोड़ दिए हैं और हाथ के भी चिन्ह है। भगवान चिन्हों को छोड़ देते हैं, जैसे ब्रजलीला में भोजन थाली है, गिरिराज जी है, इनमें भी बड़े बड़े चिन्ह है। और श्री जी कृपा से हम लोगों ने आज चिन्ह देखे। जय श्री राधे, बोलो ब्रह्म की तंत्र। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, शिवानु नंदिनी श्री राधे, शिवानु नंदिनी श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, गबर बनवारी श्री राधे, तो पड़ता है लेट के और आगे खड़े होने की जगह है। हमने कहा भाई आज घुस के देखें, तो लोगों ने कहा नहीं हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन अगर किसी को देखना हो तो कोई घुस करके आगे देख ले और भीतर जगह है खड़े होने की, जहां अंजनी माता ने तप किया। और औरंगजेब ने तोड़ा है, यहाँ इस स्थान को नष्ट किया है, यहाँ जो रवि बैठे हैं टूटी मूर्तियां पड़ी हैं। भीतर देखो, भीतर मूर्तियां, अपने नीचे देखो, नीचे अंजनी माँ के गोद में हनुमान जी हैं। देखो है, हाँ औरंगजेब ने तोड़ा है और इसको तोड़ करके यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया है। सबके पीढ़ी चार पीढ़ी पहले हिंदू नाम थे और ये लोग यहाँ कपड़ा भी नहीं धोते थे, राजा दंड देता था। अब ये किसी को पता नहीं था, यहाँ लीज दे दिया है, पहाड़ टूटना शुरू हो गया है और 25 स्टोन क्रशर लग गए हैं, बड़े बड़े 25 बड़े बड़े क्रशर लग गए हैं, इन पहाड़ों को फूंक देंगे। और 250 लीज दे चुके हैं, 250 लीज दे चुके हैं ठेके। ये तो भगवान की कृपा से हम लोगों ने देख लिया। एक शिला तो लुढ़का दिया है हाथ वाली, इन सब स्थानों को नाश हो रहा है भारतवर्ष में और हिंदू लोग धर्म में आस्था ही नहीं हम लोगों की। हम लोग साधु लोग लड्डू पेड़ा में लगे हैं दिन रात। जो झरना चल रहा है वो 20 साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने मशीन लगा रहे हैं खत्म होने का। तो ये गुफा के इतिहास था। और वो जो जहाँ तुम लोग देखने गए वहाँ पानी सैयद बना है, वो औरंगजेब ने पीर का स्थापना किया है मुसलमानों का, लेकिन वहां भी जल बराबर बहता है, चमत्कार अभी है। और कहीं भी पहाड़ में पानी नहीं है, 12 महीने पानी रहता है। ये सब हनुमान जी का चमत्कार है और अंजना की तप का, अंजना माँ की तपस्या का चमत्कार है कि जहां एक बूंद पानी नहीं वहां पानी बराबर बह रहा है। जय श्री राधे। अच्छा, इसे आगे भैंसेड़ा का गुफा है जो बिंदुआ गिराज जो अलग अलग तो देख लिया। हाँ, एक और बता दें, जिसको देखना हो देख लो, क्योंकि इन स्थलों में यहाँ से आगे चलकर भैंसेड़े की गुफा है। वो गुफा वैसी है
जैसे राम जी गए थे, राम जी को सीता जी को ढूंढने के लिए बंदर लोग गए थे, तो एक गुफा मिली थी, उस गुफा के भीतर फल लगे थे, फूल लगे थे, सारी सेना चली गई, इतनी बड़ी गुफा थी। वैसी गुफाएं थी, आज भी है, भैसेड़ा में जो गुफा है, जिसको देखना अभी रास्ते में पड़ेगा। रास्ता तो अच्छा है, गाड़ी चले जाती, अच्छा रास्ता है। वो महाराज जी इतनी बड़ी है, वो सब आ जाएंगे उसमें। इशारे तुम लोग आ जाओगे उस गुफा में। 20-22 गज लंबाई चौड़ाई का, 60-65 फुट है लंबाई चौड़ाई। जिसको देखना हो देख सकते हो, उधर से गाड़ी निकलेगी। चलो हो गया। गोविंद गोविंद राधे राधे।